सचिन आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं सुप्रभात राजस्थान की ओर। राजस्थान में करीब 2 माह पहले चरित्रहीन पुलिस वालों की सूची तैयार की गई है, मगर ताज्जुब की बात तो इसमें यह है कि देश का सबसे शर्मनाक वीडियो बनाने वाले आरपीएस हिरालाल सैनी का नाम इसमें नहीं है। ऐसे में राजस्थान पुलिस की गोपनीय सूचनाओं पर सवाल उठने लगे हैं। डीजीपी एमएल लठर ने खुद गोपनीय रूप से जिला स्तर पर और इंटेलिजेंस के अधिकारियों के मार्फत ऐसे पुलिस वालों को चिन्हित कराया था ताकि इनका जिला व रेंज बदला जाए और पुलिस वालों के द्वारा दुष्कर्म व अस्मत मांगने के आरोपों पर अंकुश लग सके। राजस्थान विधानसभा का सत्र चल रहा है। आगामी 2 दिन 17 और 18 सितंबर का सदन का बिजनेस भी तय है। सत्र के दौरान सभी मंत्रियों, विधायकों और सचिवालय के अफसरों के जयपुर में रहने की परंपरा है, लेकिन राज्य ब्यूरोक्रेसी के मुखिया यानी चीफ सेक्रेटरी निरंजन आर्य आदि सरकार को लेकर गुरुवार को बीकानेर पहुंच गए। चलते सदन और बीच सत्र में ऐसे परंपरा नहीं रही जब इतनी संख्या में आईएएस जयपुर से बाहर चले गए हों। एमबीबीएस के बाद अब बीएससी नर्सिंग के विद्यार्थियों को भी मेडिकल एथिक्स यानी चिकित्सा नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाएगा। फॉरेंसिक और सूचना प्रौद्योगिकी के युग को देखते हुए इन्फॉर्मेटिक्स शामिल किया गया है। वहीं थ्योरी की बजाय प्रैक्टिकल पर विशेष ध्यान रहेगा, तो साल भर में एक बार परीक्षा लगने की बजाय अब सेमेस्टर सिस्टम और पढ़ाई में नंबर की बजाय क्रेडिट अंक मिलेंगे। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने विधानसभा में उनकी टोन और पहनावे पर सवाल खड़े करने वाले विपक्षी नेताओं के साथ ही आरएसएस पर निशाना साधा है। खाचरियावास ने कहा कि मैं शर्ट पहनूं चाहे टी शर्ट पहनूं, उससे बीजेपी और आरएसएस वालों को क्या दिक्कत है? ये आज़ाद देश है, मेरे पहनावे से उनको क्या दिक्कत? जो कपड़े उन्होंने पहन रखे थे वैसे ही मैंने पहन रखे थे। प्रदेश में मानसून की विदाई को करीब 2 सप्ताह ही बचे हैं। इसी बीच गुरुवार को मौसम विभाग ने बारिश को लेकर के नया बुलेटिन जारी किया है। इसके तहत 30 सितंबर तक मानसूनी गतिविधियां जारी रहेगी। इससे सूखे की मार झेल रहे जोधपुर, बाड़मेर समेत 10 जिलों का कोटा पूरा हो सकता है। प्रदेश में अब तक सीजन की 93% बारिश हो चुकी है या मानसून सीजन में औसतन 530 मिमी बारिश होती है, जबकि अब तक 498.55 मिलीमीटर हो चुकी। सुप्रभात राजस्थान में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़19 के साथ। नमस्कार। हीरालाल सैनी प्रकरण में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। स्विमिंग पूल का अश्लील वीडियो वायरल होने से जुड़े मामले के अंतर्गत हीरालाल सैनी व राजेश कुमारी को एसओजी ने कोर्ट में पेश कर दिया है। पॉक्सो कोर्ट में जज रेखा शर्मा ने 20 सितंबर तक का उन्हें पुनः रिमांड पर भेजने के आदेश दिए। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के मानने के बाद आज फिर विधानसभा की बैठक शुरू हो चुकी है। शुक्रवार और शनिवार को विधानसभा की कार्यवाही भी चलेगी और विधानसभा में 2 दिन के भीतर 9 बिल पेश किए जाएंगे। सरकार के अलग अलग योजनाओं और विभागों के बजट से ज्यादा किए गए खर्च की मंजूरी के लिए आज 1300 करोड़ से ज्यादा की सप्लीमेंट्री डिमांड्स को पेश किया जाएगा। बजट से ज्यादा किए गए खर्च की सदन में मंजूरी के लिए विधानसभा की बैठक बुलाना जरूरी था। इन सबके बीच आज विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के आचरण पर सबकी निगाहें भी रहेंगी, तो इन शून्यकाल में बीजेपी कई मुद्दों पर सवाल और करती हुई नजर आएगी और साथ ही साथ सरकार को भी घेरती हुई नजर आएगी। बाली थाना क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्र के सुनसान इलाके में गुरुवार को एक युवक का शव मिला है, जिसकी धारदार हथियार व पत्थरों से कुचल करके बेरहम हथियारों से निर्मम हत्या भी कर दी गई है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी, तो वहीं मृतक की पहचान सुमेरपुर थाने के मौडू गांव निवासी 33 वर्षीय महिपाल सिंह पुत्र दलपत सिंह राजपूत के रूप में हुई। मृतक कार ड्राइवर था जो किराए पर कार चलाने का काम करता था। हत्या में एक युवती के शामिल होने की आशंका जताई जा रही, तो वहीं संभवतः
प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या की गई और पुलिस इस पहलू से भी जांच में जुटी है। कोरोना टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अजमेर जिले को 2,00,000 वैक्सीन की डोज मिली है और ऐसे में शुक्रवार को मेगा वैक्सीनेशन डे के रूप में टीकाकरण किया जा रहा, तो इनके टीकाकरण के लिए जिले में 138 टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए। सुबह 7 बजे से टीकाकरण आरंभ किया गया है और दोपहर 1 बजे तक 6 घंटे में 32,843 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। टीकाकरण को लेकर के लोगों में उत्साह था। अजमेर जिला मुख्यालय के 24 केंद्रों के अलावा जिले के अन्य 114 स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अजमेर में 21 स्वास्थ्य केंद्रों पर कोविशील्ड वैक्सीन तथा 3 स्वास्थ्य केंद्रों पर कोवैक्सीन उपलब्ध करवाई गई। सुल्तानपुर कस्बे में इन दिनों चारों ओर गंदगी का आलम लगा हुआ है। यहां 16 दिन से करीब 45 सफाई कर्मी हड़ताल पर चल रहे हैं। सफाई कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से कस्बे में सफाई व्यवस्था बेपटरी हो गई, तो वहीं कूड़ेदान के आसपास बाजार गलियों में जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। कूड़े से उठ रही बदबू से लोगों को परेशानी है, साथ ही आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। नगर पालिका के अंतर्गत सुल्तानपुर, झोटोली, नोताड़ा, खंडगांव, तोरण व नापाहेड़ा में गांव और हजारों मकान हैं। सुल्तानपुर कस्बे में नापाहेड़ा गांव आते हैं और यहां करीब 30,000 लोग निवास करते हैं। पिछले 16 दिन से सफाई कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से कचरा नहीं उठ रहा और लोगों के घरों से करीब 3-4 टन कूड़ा इकट्ठा हो चुका है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से उदयपुर में सितंबर को होने वाली रीट परीक्षाओं को लेकर के परिवहन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। जिले में 157 केंद्रों पर 50,000 परीक्षार्थी परीक्षा देने जाएंगे। परिवहन विभाग उदयपुर इसके लिए प्रत्येक केंद्र के बाहर 2 मिनी बस और 10-10 ऑटो की व्यवस्था करेगा। परीक्षा 2 पारियों में होगी। प्रथम पारी सुबह 10 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक, तो वहीं द्वितीय पारी दोपहर 2:30 बजे से शाम को 5 बजे तक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परिवहन अधिकारी प्रकाश सिंह राठौर ने बताया कि रीट 2021 परीक्षा में उदयपुर जिले में लगभग 50,000 परीक्षार्थी भाग भी लेंगे। यातायात की सुगमता को ध्यान में रखते हुए उदयपुर के गिरवा तहसील में 121 और शेष 7 तहसीलों गोगुंदा में 4, झुआलोड़ा में 1 और खेड़वाला में 5, मावड़ी में 9, सलुम्बर में 3, सराड़ा और में 5 और वल्लभ नगर में 9 परीक्षा केंद्रों पर रीट 2021 की परीक्षा आयोजित की जाएगी। भरतपुर जिले के रूपवास थाना इलाके के पंजाब नेशनल बैंक में बीती देर शाम एक नाबालिग ने पैसे चुराने की कोशिश की, लेकिन बैंक के कर्मचारियों की सजगता के चलते नाबालिग अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। चोरी की सूचना लगने के बाद बैंक के मैनेजर ने नाबालिग को पुलिस के हवाले कर दिया। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। मामला रूपवास के धौलपुर रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक का है, जहां एक ग्राहक बैंक में पैसा जमा कराने के लिए आया था और ग्राहक ने पैसे कैश काउंटर पर रख दिए और कैश काउंटर पर बैठा कर्मचारी पैसे गिन रहा था। तभी बैंक में नाबालिग बच्चा आया और उसने कैश काउंटर पर रखे पैसे उठाने की कोशिश की, लेकिन कैश काउंटर पर बैठे कर्मचारियों ने उसे तुरंत टोक दिया। बीकानेर में आम लोगों को पुलिस से बड़ी दिक्कत है। किसी की FIR दर्ज नहीं हो रही तो किसी की FIR पर कार्रवाई नहीं हो रही। न सिर्फ पुलिस बल्कि अन्य विभागों में लेट लतीफी को लेकर के शिकायतों की लंबी फहरिस्त मुख्य सचिव निरंजन आर्य के समक्ष रखी गई है। सर्किट हाउस में चल रही जनसुनवाई के दौरान लोग कतार में खड़े होकर के शिकायतें दर्ज करवा रहे हैं। रोडवेज से जुड़ी एक समस्या लेकर के पहुंची महिला को CS निरंजन आर्य ने कहा कि मैं आपके काम के लिए कोशिश करता हूँ, आपका काम थोड़ा टेढ़ा है, दरअसल रोडवेज में अभी स्टाफ ही नहीं है। फिर भी उस महिला ने सहयोग मांगा तो आर्य ने कहा हर संभव मदद करेंगे। राजस्थान की 7 संभागों की 7 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 18 के साथ। नमस्कार। वही खबर किशनगढ़ से, जहां पर आप सभी को बता दूं बांदर सुंदरी में स्थित चारभुजा नाथ मंदिर में खांडल विप्र समाज कार्यकारिणी का चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें कार्यकारिणी संरक्षक दामोदर दास, सत्य नारायण, बालकृष्ण शर्मा की मौजूदगी में सर्वसम्मति से दिनेश शर्मा को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो वहीं साथ ही राजनाथ शर्मा,
राकेश शर्मा को उपाध्यक्ष और राजेंद्र शर्मा को सह सचिव नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ मुकेश शर्मा, घनश्याम शर्मा, बनवारी लाल, राज नारायण आदि को सदस्य बनाया गया और नवनिर्वाचित कार्यकारिणी आगामी दिनों में सामाजिक कार्य व गतिविधियों में विस्तार करेगी। और वही इस अवसर पर स्वर्णिम विजय दिवस भी मनाया जाएगा। भारतीय सेना ने इसके लिए कल जयपुर के अंदर रिहर्सल भी किया है। तो वही आप सभी को बता दूं 18 व 19 तारीख को होने वाले कार्यक्रम के लिए रामबाग के पोलो ग्राउंड के अंदर अभी तैयारियां चल रही हैं। साथ ही साथ वहां पे अभी हेलीकॉप्टर से रिहर्सल भी किया जा रहा है और वहीं 50-50 फीट ऊपर से हमारे जवान रस्सियों से नीचे उतरते हुए भी नजर आ रहे हैं। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि राजस्थान में करीब 2 माह पहले चरित्रहीन पुलिस वालों की सूची तैयार की गई थी। इसके अंतर्गत 50 से ज्यादा पुलिस वालों के नाम शामिल हैं। जी हाँ, राजस्थान में करीब 2 माह पहले चरित्रहीन पुलिस वालों की सूची तैयार की गई थी, जिसमें 50 से ज्यादा गोपनीय और पुलिस वालों के नाम थे। लेकिन इसमें ताज्जुब की बात तो यह है कि इसमें आरपीएस अधिकारी जो हीरालाल सैनी, जिनका अभी अभी अश्लील वीडियो वायरल हुआ है, ऐसे में उनका कहीं पर भी नाम नहीं आ रहा है। और इस सूची के अंदर जब उनका नाम नहीं है तो सवालिया निशान भी खड़े होते हुए साफ साफ नजर आ रहे हैं। और ऐसे में राजस्थान पुलिस को और राजस्थान पुलिस की गोपनीय सूचनाओं के ऊपर सवाल उठना वाजिब बनता है। तो अब इस लिस्ट को दोबारा से अपडेट किया जा सकता है। साथ ही आप सभी को एक बात बता दूं कि अभी राजस्थान के अंदर विधानसभा चल रही है और इस विधानसभा के अंदर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जो टोन विधानसभा के अंदर है और जो कपड़े वो पहन कर जाते हैं, उससे विपक्षी वालों ने विरोध खड़ा किया है। जी हाँ, विपक्षी पार्टी ने कहा है कि वह टी शर्ट पहन कर जाते हैं और उनकी टोन भी सही नहीं है। और इसी के लेकर के जब खाचरियावास ने जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी पहनूं, मैं टी शर्ट पहनूं, मैं शर्ट पहनूं, मैं कुछ भी पहन करके वहां पर आऊं या मेरी बोली कैसी भी है, मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा। और साथ ही साथ उन्होंने ऐसा भी कहा कि आरएसएस, वो आरएसएस के जो लोग हैं वह तो चड्डा पहनते हैं। और साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि चड्डा पहनने के बाद में इसमें सवाल ये खड़ा हो रहा है कि उन्होंने कहा कि जब वह चड्डा पहन सकते हैं तो मैं टी शर्ट और शर्ट आखिर क्यों नहीं पहन सकता। साथ ही आप सभी को इसका अभी राजस्थान के अंदर जो कोरोना की अपडेट चल रही है उससे भी अवगत करा देता हूँ, जिसमें राजस्थान के अंदर पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे के अंदर 4 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर की बात करें तो 1 कोरोना का नया मामला सामने आया है। और वहीं राजस्थान के अंदर अभी एक्टिव केसों की संख्या 103 मौजूद बताई जा रही है। तो इसी के साथ अखबार की खास सुर्खियों के अंदर तो फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। ऐसा ही भर्ती परीक्षा में पकड़ा गया डमी अभ्यर्थी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने पकड़ा। किसी दूसरे की जगह सेंटर पर दे रहा था परीक्षा, तो वहीं पूछताछ करने पर सेंटर से भागा। गार्ड ने दबोचा और मामले में पुलिस पूछताछ कर रही है। कर्मचारी नेताओं ने की सीएस बीकानेर में मुलाकात। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि जलदाय विभाग के नेता रमेश चंद्र उपाध्याय ने मुलाकात की है, तो वहीं 10वीं पास योग्यता धारी कार्मिकों को पदोन्नति लाभ देने की मांग की। साथ ही स्टोर मुंशी बनाकर के आर्थिक पदोन्नति का लाभ देने की भी मांग की। राजस्थान के अंदर अभी मानसून तो खत्म हो गया, लेकिन अभी मानसून 30 सितंबर तक चलने का अंदेशा लगाया जा रहा है। वहीं इसी बीच आप सभी को बता दूं कि ये बूंदाबांदी का दौर तो जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल जो 10 जिले जहां पर कम बारिश हुई है वहां पर बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट कि आखिरकार मानसून अभी क्या कुछ
कह रहा है। राजस्थान में मानसून की विदाई 2 सप्ताह बाद होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। इससे पहले राजधानी जयपुर में बारिश की झड़ी लग गई थी। वहीं 17 से 20 सितंबर तक राजधानी में अच्छी बारिश होने का अनुमान लगाया गया, तो मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक शुक्रवार को जयपुर में तापमान 27 डिग्री तक रह सकता है। इसके अलावा कुछ जगहों पर बारिश से लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। इसको लेकर के अलर्ट रहने को कहा गया और राजस्थान के करीब 10 जिलों में कम बारिश होने के कारण सूखे की स्थिति है। भरतपुर में आज सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। जिला मुख्यालय सहित पूरे क्षेत्र में बारिश हो रही है। आसमान में काले बादल छाए हैं, तो बारिश के कारण लगातार पड़ रहे उमस से लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन अब बेमौसम बरसात से रबी की फसल को भी नुकसान होने लगा है। आज सुबह से बारिश का दौर जारी है, तो वहीं मौसम विभाग के द्वारा बीते गुरुवार को जारी बुलेटिन के मुताबिक 30 सितंबर तक मानसूनी बरसात होने की बात सामने आई थी। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक सूखे की मार झेल रहे जोधपुर बाड़मेर समेत 10 जिलों का कोटा पूरा हो चुका है। प्रदेश में अब तक सीजन की 93% बारिश भी हो चुकी है और यहाँ मानसून सीजन में औसतन 530 मिलीमीटर बारिश होती है, जबकि अब तक 498.45 लीटर मिलीमीटर हो चुकी है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। पीएम नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन आज है। आप सभी को बता दूं, किसान जवान सम्मान दिवस मना रहा किसान मोर्चा, तो वहीं सुबह 11 बजे राजस्थान भाजपा मुख्यालय में आयोजन है और किसानों सेवानिवृत्त जवानों शहीदों को परिजनों का सम्मान भी किया जाएगा। वहीं आप सभी को बता दूं कि अभी विधानसभा चल रही है और विधानसभा के अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि प्रताप सिंह खाचरिया आवास के ऊपर कई प्रकार के आरोप लगाए गए थे पहनावे को लेकर के, उनकी बोली को लेकर के। तो वहीं प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस पर पलटवार किया है और साथ ही साथ बीजेपी के साथ साथ आरएसएस को भी उन्होंने अपने बयानबाजी में लपेट लिया है। तो देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। नाराज मेरे से इसलिए महाराज, मैं उदयपुर का प्रभारी हूँ और मेरे से नाराज नहीं है। कटारिया साहब को तो जैसे ही प्रताप नाम सुनाई देता है बोलने लग जाता है, तो मेरी क्या गलती है? महाराणा प्रताप तो प्रांतीय स्मरणीय, मैं तो हाथ जोड़ता हूँ, हमारे सबके गौरव है। मैं तो सिर्फ प्रताप हूँ, वो तो महाराणा प्रताप के खिलाफ बोल गए तो मेरे प्रताप को कैसे छोड़ेंगे? इसलिए उनको प्रताप नाम से मुझे लगता चीज। और बाकी सदस्यों ने आपके टोन के ऊपर सवाल उठाए, तो इसमें सवाल करेंगे कि आप पहनावे और बालों से? मैं शर्ट पहन, आजाद देश है, मैं शर्ट पहनू शर्ट पहनू, उनको क्या दिक्कत? मेरी समझ में नहीं आ रही। मैं पूरे चुनाव में ऐसे ही रहता हूँ जैसा विधानसभा में रहता हूँ, पर कल मेरा पहनावा था, आपने जो शर्ट पहन रखा है वैसे ही शर्ट पहने बैठा। और जहाँ तक मेरे को अध्यक्ष नहीं था, और जो उन्होंने शर्ट पहन रखा, पैंट शर्ट ही मैं पहनता हूँ, निक्कर पहन के तो मैं गया नहीं। निक्कर तो वो पहनते हैं जो निक्कर पहन के पूरे देश में घूमते हैं, वो लोग मेरे पहनावे पर सवाल उठा रहे हैं। तो पहले वो निकर पहनना तो बंद करे, वो जो निकर पहन रहे वो तो बोल रहे हैं ये बात, आने से वाले निकर पहनते हैं, मैं तो पैंट पहनता हूँ। और टी शर्ट पहनना सुना है क्या? मेरे लिए मैं तय करूंगा मुझे क्या पहनना है, बीजेपी वाले अपनी पार्टी को अपने घर को संभाले। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। वहीं खबर झुंझुनू से, जहां पर मिलिट्री इंटेलिजेंस ने एक शख्स को पकड़ लिया है। शख्स पर आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोप है। जासूसी के आरोप में संदीप कुमार गिरफ्तार हो चुके हैं, तो वहीं इंडियन गैस एजेंसी संचालक हैं संदीप कुमार। आईएसआई को गोपनीय जानकारी फोटो भेजने का आरोप 12 सितंबर को संदीप को लिया गया था हिरासत के अंदर। चलिए रुक कर देते हैं फुलेरा की ओर। जहां पर आप सभी को बता दूं कि आज रक्तदान करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया है और साथ ही साथ वहां पे विधायक निर्मल कुमावत भी मौजूद रहे हैं। तो देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। राष्ट्रहित और जनहित को हमेशा सर्वोपरि रखने वाले मां भारती के सच्चे सपूत, आधुनिक भारत के प्रवर्तन और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
नरेंद्र दामोदर दास मोदी के जन्मदिन पर आज भाजपा ने हरियाणा देहात की ओर से ग्राम हचुकड़क में कदम सरोवर पर तुलसी ब्लड बैंक के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर के मुख्य अतिथि फुलेरा विधायक महोदय निर्मल कुमावत, मंडल अध्यक्ष देवकरण पालवास, किसान मोर्चा जिला मंत्री पांचू राम गुर्जर, पंचायत समिति सदस्य मंदराज सुरेश चौहान सहित कई लोग वहां पे मौजूद रहे। साथ ही सरोवर स्थित राधा कृष्ण मंदिर में महिलाओं ने अलग ही अंदाज में मंगल गीत गा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया। आज मोदी जी का जन्मदिन है और ब्लड कैंप भी है, आप यहाँ पधारे हैं तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री और भारत के हमारे जननायक नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। उसी अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने, युवा साथियों ने मिलकर ग्राम अचूकड़ा में इन्होंने आज ब्लड डोनेशन का आयोजन किया है, एक बिल्कुल छोटे से गांव में। ये देखिए माननीय मोदी जी की लोकप्रियता और उनकी कार्यशैली को आम जन गांव के ढहणी के लोग भी प्रभावित है। उसी का नतीजा है कि छोटी सी जगह जहां रोड भी नहीं है अभी, और जल्दी यहां रोड भी बनेगी और मोदी जी के माध्यम से ही बनेगी, यहाँ के लोग भी उनको इतना पसंद करते हैं। ये मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि भगवान उनको दीर्घायु दे और देश को उनका नेतृत्व हमें मिलता रहे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। राजधानी जयपुर की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं पुलिस आयुक्त के द्वारा बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और पेट्रोल पंप पर लगातार हो रही लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर लिया है और साथ ही साथ इसमें आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर कि आखिरकार किस प्रकार से इस वारदात का खुलासा किया गया। राजधानी जयपुर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पुलिस उपायुक्त अपराधी दिगंत आनंद ने बताया कि लाल कोठी सोडाला और मोहाना थाना इलाके में पेट्रोल पंप पर लूट की 3 वारदातों में लिप्त 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में सरगना निक्की बर्मन से अवैध हथियार, देसी कट्टा व जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश से 7,000 में खरीद करके लाना बताया गया। आरोपी मौज मस्ती के लिए लूटपाट करते थे और सभी आरोपी पढ़े लिखे ग्रेजुएटेड हैं और इनमें 2 आरोपी मुखबधिर भी बताए जा रहे हैं। इन्होंने जो प्रथम दृष्टया जो बताया है अपने वारदात में, हमने इनसे जो जानने की कोशिश की कि किस तरह से टारगेट सेलेक्ट किया और सब, तो यही है कि इनको पैसे की जरूरत थी, मौज मस्ती करने के लिए रेस्टोरेंट क्लब जाने के सभी आदि हैं, तो इसके लिए इन्होंने सबसे पहले जो प्लान बनाया वो ये था कि लेट नाइट जो दुकानें खुलती हैं जिनमें बिक्री का रात में कैश जमा होता है, जैसे मेडिकल स्टोर या और बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर, उनको लूट करने की फिराक में ये थे इस साल की शुरुआत से ही। परंतु इनके पास तब तक हथियार नहीं था, फिर हथियार इन्होंने फरवरी में मेरठ से 7,000 रुपये में एक देसी कट्टा खरीदना बताया। उसके बाद इन्होंने पेट्रोल पंपों को चिन्हित किया जो रात तक खुले रहते हैं, जहाँ सेल्स स्टाफ के अलावा ज़्यादा कोई नहीं होता और दिन भर की बिक्री का कैश बटोरा जाता है। तो ये पेट्रोल भरवाने की नाटक करते हुए वहाँ पहुँचते हैं, पेट्रोल भरवा भी लेते हैं कई बार और उस बहाने रेकी कर लेते हैं उस जगह की, और अगर इनको वो सेफ लगता है तो वहाँ पर लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। नीट परीक्षा को लेकर के प्रशासन तैयारियों के अंदर जुट चुका है। बाड़मेर और बालोतरा के 65 केंद्रों पर परीक्षा की जाएगी। जिले में 38,778 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, तो वहीं बाड़मेर और बालोतरा में अभ्यर्थियों के रुकने की व्यवस्थाओं को लेकर के प्रशासन अलर्ट है। दौसा जिले की उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पछवाड़ा के अंदर बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई है, तो देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट।
दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा में वीर तेजाजी महाराज की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई है। उपखंड के बागवाड़ी ढाणी गांव और शंकरिया बालाजी महाराज मंदिर परिसर में वीर तेजाजी महाराज का कोरोना काल के बाद ऐतिहासिक मेला देखा गया है। वीर तेजाजी महाराज के दोनों स्थानों पर लगने वाले मेले में आज सुबह से ही लोगों का तांता लगा रहा। कोरोना काल के बाद क्षेत्र के दर्जनों गाँव की महिलाओं ने वीर तेजाजी महाराज मंदिर में प्रसाद चढ़ा करके मन्नत मांगी है। साथ ही आपको बता दें कि वीर तेजाजी महाराज के जन्म उत्सव पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मंदिर कमेटी के द्वारा रात्रि जागरण किया गया और इसी अवसर पर रामगढ़ पचवारा कस्बे में वीर तेजाजी महाराज की शोभा यात्रा निकाली गई है। इस अवसर पर महिलाओं ने नाच गान कर वीर तेजाजी महाराज को रिझाया गया। कस्बे के मुख्य मार्गों वीर तेजाजी महाराज की बिंदौरी निकाली गई और इस अवसर पर कई महिलाओं और पुरुषों ने भाग लिया। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। खबर भरतपुर से सामने आ रही है, जहां पर आप सभी को बता दूं कि कुछ स्टूडेंट्स का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके अंतर्गत वह बर्तन मांजते हुए नजर आ रहे हैं और खाना परोसते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि इसको पहला रूप तो जो देखने को मिल रहा है वह रैगिंग का बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसकी कोई भी पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट्स ने इसके बारे में बातचीत नहीं करी। और वहीं जब वहां के प्रिंसिपल और वहां के लोगों से बातचीत की गई तो उनका क्या कुछ कहना इसके संदर्भ में सामने आया है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। राजकीय मेडिकल कॉलेज का एक वीडियो गुरुवार को वायरल हुआ। इसमें कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स बर्तन साफ करते और खाना परोसते हुए दिख रहे हैं। इसे जूनियर स्टूडेंट्स की रैगिंग बताया जा रहा है। हालांकि किसी भी स्टूडेंट अथवा कर्मचारी ने कॉलेज में रैगिंग होने की पुष्टि नहीं की, लेकिन वीडियो के आधार पर रैगिंग का दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने 1 सितंबर से यहां का मैस बंद कर दिया। इधर इस बारे में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर रजत श्रीवास्तव का कहना है कि कॉलेज में रैगिंग जैसी कोई बात नहीं है, स्टूडेंट्स अगर खुद खाना बना कर खा रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है। उनका कहना है कि मैस का ठेका इसलिए बंद करना पड़ा क्योंकि खाने को लेकर स्टूडेंट्स को काफ़ी शिकायतें थी, इसलिए अब स्टूडेंट्स को ही मैस इंचार्ज बना दिया ताकि उन्हें मनपसंद और अच्छा खाना मिल सके। 2 साल पहले भी सीनियर स्टूडेंट्स का जूनियर्स स्टूडेंट्स को मुर्गा बनाते हुए फोटो वायरल हुए थे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। चलिए रुक करते हैं दौसा जिले के सिकंदरा की ओर, जहां पर हनुमान जी महाराज का जागरण कल किया गया। तो देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। दौसा जिले के सिकंदरा क्षेत्र के समाज चौबे ढाणी में राम अवतार के घर हनुमान जी महाराज का जागरण हुआ। इसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया है, तो वही रात्रि जागरण की शुरुआत राम अवतार के द्वारा दीप प्रज्वलित करके की गई। कार्यक्रम की शुरुआत शिव कुमार द्वारा गणेश वंदना के साथ की। तो वहीं सवास के श्रद्धालु सुनील शर्मा ने बताया कि शाम को हुए जागरण में हनुमान जी का अलौकिक श्रृंगार किया गया है। अखंड ज्योति भी जलाई गई और जागरण में कमलेश तिवारी, आभा नेरी, मोहनलाल शर्मा द्वारा भजनों की प्रस्तुतियां भी दी गई। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं बोल के सचिन आपके साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 की फटाफट खबरों की ओर, फटाफट अंदाज में। विराट कोहली ने गुरुवार को टीम इंडिया के T20 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया। कोहली अक्टूबर में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के बाद इस फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ देंगे। हालांकि वे टेस्ट और वनडे मैचों के कप्तान बने रहेंगे और कोहली ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर यह कप्तानी छोड़ने का फैसले की जानकारी दी। साथ ही सभी को हैरानी में डाल दिया। विराट की कप्तानी छोड़ने के ऐलान के बाद चौंकाने वाली खबरें भी सामने आई हैं।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में हो रहे शंघाई सहयोग संगठन समिट को शुक्रवार को वर्चुअली संबोधित किया। मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मौजूदगी में कट्टरपंथ पर तीखा हमला बोला है। मोदी ने कहा, मेरा मानना है इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती शांति, सुरक्षा और भरोसे की कमी से संबंधित है और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ कट्टरपंथ बताया जा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 71 साल के हो चुके हैं। इस मौके पर उनकी जिंदगी से जुड़ी तीन कहानियां जो शायद ही किसी को बताऊंगी। पहली कहानी प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके रोज के खर्च से जुड़ी, तो वहीं दूसरी महज एक कॉल की दूसरी और दूरी रहने वाले उनके निजी स्टाफ के बारे में, तो वहीं जबकि तीसरी कहानी पीएम के आधिकारिक आवास पर उनसे मिलने आए परिवार के सदस्यों की है। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एपीआई सचिव वजय को अपने निजी सहायक कुंदन शिंदे को सहाद्री गेस्ट हाउस के बाहर और राजभवन के पास दो अलग अलग मौकों पर 4.6 करोड़ रुपए कैश से भरे 16 बैग सौंपने का निर्देश दिया था। इस बात का खुलासा प्रवर्तन निदेशालय की ओर से हाल ही में विशेष पीएमएलए कोर्ट में दायर चार्जशीट में हुआ है। देश के करीब 12 राज्यों में अगले 5 दिनों में तेजी से भारी बारिश होने का अनुमान है। इनमें मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल शामिल हैं। मौसम विभाग के मुताबिक इन राज्यों के कई इलाकों में आंधी, तूफान और गरज चमक भी है। वहीं सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम, नागालैंड समेत पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में तेज से भारी बारिश होने की आशंकाएं हैं। कृषि कानूनों के विरोध में शिरोमणि अकाली दल आज दिल्ली में प्रदर्शन करने की तैयारी पर है। प्रदर्शनकारी गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब से संसद तक मार्च निकालना चाहते हैं। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने भारी बंदोबस्त भी किए हैं, तो सुबह आगे बढ़ रहे लोगों पर हल्का बल का भी प्रयोग किया गया। हीरालाल सैनी जिनका मामला अभी राजस्थान के अंदर लगातार सुर्खियों के अंदर बना हुआ है, लेकिन उसी बीच आप सभी को बता दूं कि इसके अंतर्गत एक और बड़ा खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके अंतर्गत राजस्थान के अंदर 2 महीने पहले चरित्रहीन पुलिस वालों की सूची तैयार की गई थी, लेकिन उस सूची के अंतर्गत आरपीएस हीरालाल सैनी का नाम मौजूद नहीं था। आखिरकार किस वजह से उनका नाम इसके अंतर्गत छुपाया गया? क्योंकि जब एक अश्लील हरकत करते हुए वह वीडियो वायरल कर रहे हैं और वीडियो वायरल हो गया है और उसके बाद में पूरे देश के अंदर पहुंच चुका है, तो आखिरकार उनका चरित्र भी तो हीन होता हुआ ही नजर आया है। हालांकि यह मामला हाल ही में आया है, लेकिन यह रिपोर्ट 2 महीने पहले तैयार की गई थी। लेकिन इसके अंतर्गत बड़ी बात तो यह है कि आखिरकार क्या अधिकारियों की नजर में हीरालाल सैनी जो अभी अश्लील वीडियो के अंतर्गत सामने आते हुए नजर आए हैं, क्या उनके सामने उनकी नजरें में सही बने हुए थे या नहीं? और साथ ही साथ इसी के आज मैं आप सभी को राजस्थान के अंदर पुलिस के जो आंकड़े हैं कि आखिरकार कितने करप्ट पुलिस वाले हैं और कितनों को किस प्रकार से ट्रांसफर किया गया है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट के अंदर। राजस्थान में करीब 2 माह पहले चरित्रहीन पुलिस वालों की सूची तैयार की गई थी, मगर ताज्जुब की बात तो इसमें यह है कि इसमें देश का सबसे शर्मनाक वीडियो बनाने वाले आरपीएस हीरालाल सैनी का नाम नहीं है। ऐसे में राजस्थान पुलिस की गोपनीय सूचनाओं पर सवाल उठने लगे हैं। डीजीपी एमएल लाठर ने खुद गोपनीय रूप से जिला स्तर पर और
इंटेलिजेंसी के अधिकारियों के मार्फत ऐसे पुलिसवालों को चिन्हित कराया था ताकि इनका जिला व रेंज बदला जाए और पुलिस वालों के द्वारा दुष्कर्म में अस्मत मांगने के आरोपों पर अंकुश भी लगे। इसमें 50 से ज़्यादा चरित्रहीन पुलिस वालों के नाम हैं। अगर इसमें हीरालाल का भी नाम होता तो उसका ब्यावर से तबादला होना तय था, लेकिन जिम्मेदारों ने पुलिस मुख्यालय को नाम ही नहीं दिया। वहीं आप सभी को खाकी की कुंडली से आज अवगत कराता हूँ, जिसमें 400 से ज़्यादा पुलिस वाले शराब माफिया में हैं तो वहीं तस्करी और दूसरे अवैध धंधों में भी लिप्त मिले हैं। जांच के अंदर 50 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों का महिलाओं को लेकर के चरित्र खराब मिला है। करीब 400 पुलिसकर्मी शराब माफियाओं, तस्करों और अन्य अवैध धंधों में लिप्त हैं। वहीं प्रदेश में 7 पुलिस रेंज, 2 पुलिस कमिश्नरेट, 41 पुलिस जिले, 214 पुलिस सर्किल, 902 पुलिस थाने, 1200 से ज़्यादा पुलिस चौकियाँ हैं। इन सभी जगह 2500 के करीब RPS और इंस्पेक्टर रैंक के अफसर भी तैनात हैं। मुख्यालय ने इन सभी के कैरेक्टर की गोपनीय कुंडली बना रखी है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। राजस्थान के अंदर अभी मानसून तो खत्म हो गया, लेकिन अभी मानसून 30 सितंबर तक चलने का अंदेशा लगाया जा रहा है। वहीं इसी बीच आप सभी को बता दूं कि ये बूंदाबांदी का दौर तो जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल जो 10 जिले जहां पर कम बारिश हुई है वहां पर बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। तो देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट की आखिरकार मानसून अभी क्या कुछ कह रहा है। राजस्थान में मानसून की विदाई 2 सप्ताह बाद होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। इससे पहले राजधानी जयपुर में बारिश की झड़ी लग गई थी। वहीं 17 से 20 सितंबर तक राजधानी में अच्छी बारिश होने का अनुमान लगाया गया, तो मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक शुक्रवार को जयपुर में तापमान 27 डिग्री तक रह सकता है। इसके अलावा कुछ जगहों पर बारिश से लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। इसको लेकर के अलर्ट रहने को कहा गया और राजस्थान के करीब 10 जिलों में कम बारिश होने के कारण सूखे की स्थिति है। भरतपुर में आज सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। जिला मुख्यालय सहित पूरे क्षेत्र में बारिश हो रही है। आसमान में काले बादल छाए हैं तो बारिश के कारण लगातार पड़ रहे उमस से लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन अब बेमौसम बरसात से रवि की फसल को भी नुकसान होने लगा है। आज सुबह से बारिश का दौर जारी है, तो वहीं मौसम विभाग के द्वारा बीते गुरुवार को जारी बुलेटिन के मुताबिक 30 सितंबर तक मानसूनी बरसात होने की बात सामने आई थी। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक सूखे की मार झेल रहे जोधपुर, बाड़मेर समेत 10 जिलों का कोटा पूरा हो चुका है। प्रदेश में अब तक सीजन की 93% बारिश भी हो चुकी है और यहाँ मानसून सीजन में औसतन 530 मिलीमीटर बारिश होती है, जबकि अब तक 498.45 लीटर मिलीमीटर हो चुकी है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। खबर दौसा जिले से, जहां पर गौ रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल करके भूतेश्वर गौ रक्षा कमांडो फोर्स ने एक बार फिर गौ की जान बचाते हुए नजर आए हैं। गहरे कुएं में कूदी गौ माता की भूतेश्वर गौ रक्षा कमांडो फोर्स ने बचाई जान। तो वहीं लालचोट के गांव चौड़ियावास के गहरे कुएं में कूदी गौ माता। जल झूलनी एकादशी पर कान्हा की गैया की जान भी बचाई गई है। भूतेश्वर गौ रक्षा कमांडो फोर्स के मुकेश और राजा लखेरा एक बार फिर से पानी के गहरे कुएं में उतरते हुए नजर आए हैं। वहीं भूतेश्वर गौ रक्षा कमांडो फोर्स ने
रेस्क्यू अभियान चलाकर के गहरे कुएं से गौ माता को सकुशल बाहर निकाला है। तो साथ ही साथ भूतेश्वर गौरक्षा कमांडो फोर्स कार्य के अंजाम लालसोट थाना SI कैलाश अवैध पुलिसकर्मी मौजूद रहे थे। भूतेश्वर गौरक्षा कमांडो फोर्स का गौ माता के प्रति प्रेम की लोग प्रशंसा भी करते हुए नजर आए। तो वहीं रेस्क्यू अभियान के दौरान राकेश मेडीवाला, अक्षय जांगेट, चंद्रप्रकाश मेडीवाला, पंडित लाला सहित कई लोग मौजूद रहे। राजस्थान के अंदर अभी मानसून तो खत्म हो गया, लेकिन अभी मानसून 30 सितंबर तक चलने का अंदेशा लगाया जा रहा है। वहीं इसी बीच आप सभी को बता दूं कि ये बूंदाबांदी का दौर तो जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल जो 10 जिले जहां पर कम बारिश हुई है वहां पर बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। तो देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट कि आखिरकार मानसून अभी क्या कुछ कह रहा है। राजस्थान में मानसून की विदाई 2 सप्ताह बाद होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। इससे पहले राजधानी जयपुर में बारिश की झड़ी लग गई थी। वहीं 17 से 20 सितंबर तक राजधानी में अच्छी बारिश होने का अनुमान लगाया गया। तो मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक शुक्रवार को जयपुर में तापमान 27 डिग्री तक रह सकता है। इसके अलावा कुछ जगहों पर बारिश से लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। इसको लेकर के अलर्ट रहने को कहा गया और राजस्थान के करीब 10 जिलों में कम बारिश होने के कारण सूखे की स्थिति है। भरतपुर में आज सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। जिला मुख्यालय सहित पूरे क्षेत्र में बारिश हो रही है। आसमान में काले बादल छाए हैं, तो बारिश के कारण लगातार पड़ रहे उमस से लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन अब बेमौसम बरसात से रबी की फसल को भी नुकसान होने लगा है। आज सुबह से बारिश का दौर जारी है। तो वहीं मौसम विभाग के द्वारा बीते गुरुवार को जारी बुलेटिन के मुताबिक 30 सितंबर तक मानसूनी बरसात होने की बात सामने आई थी। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक सूखे की मार झेल रहे जोधपुर, बाड़मेर समेत 10 जिलों का कोटा पूरा हो चुका है। प्रदेश में अब तक सीजन की 93% बारिश भी हो चुकी है और यहाँ मानसून सीजन में औसतन 530 मिलीमीटर बारिश होती है, जबकि अब तक 498.45 लीटर मिलीमीटर हो चुकी है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। पीएम नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन आज है। आप सभी को बता दूं किसान जवान सम्मान दिवस मना रहा किसान मोर्चा। तो वहीं सुबह 11 बजे राजस्थान भाजपा मुख्यालय में आयोजन है और किसानों, सेवानिवृत्त जवानों, शहीदों को, परिजनों का सम्मान भी किया जाएगा। वहीं आप सभी को बता दूं कि अभी विधानसभा चल रही है और विधानसभा के अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि प्रताप सिंह खाचरिया आवास के ऊपर कई प्रकार के आरोप लगाए गए थे पहनावे को लेकर के, उनकी बोली को लेकर के। तो वहीं प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस पर पलटवार किया है और साथ ही साथ बीजेपी के साथ साथ RSS को भी उन्होंने अपने बयानबाजी में लपेट लिया है। तो देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। मेरे से इसलिए नाराज, मैं उदयपुर का प्रभारी हूँ और मेरे से नाराज नहीं है। कटारिया साहब को तो जैसे ही प्रताप नाम सुनाई देता है वो घूमने लगता है, तो मेरी क्या गलती है? महाराणा प्रताप तो प्रांत स्मरणीय, मैं तो हाथ जोड़ता हूँ, हमारे सबके गौरव है। मैं तो सिर्फ प्रताप हूँ, वो तो महाराणा प्रताप के खिलाफ बोल गए तो मेरे मेरे प्रताप प्रताप को कैसे छोड़ेंगे? इन्हें उनको प्रताप नाम से मुझे लगता चाहिए। और बाकी सदस्यों ने आपके टोन के ऊपर सवाल उठाए, तो इसमें सवाल करेंगे कि आप पहनावे और बाल से? मैं शर्ट पहन, ये आजाद देश है, मैं शर्ट पहनू, टी शर्ट पहनू, से उनको क्या दिक्कत है? मेरी समझ में नहीं आ रही। मैं पूरे चुनाव में ऐसे ही रहता हूँ जैसा विधानसभा में रहता हूँ, पर कल मेरा पहनावा था, आपने जो शर्ट पहन रखा है वैसे ही शर्ट पहने बैठ रखा। और जहाँ तक मेरे को अध्यक्ष जी नहीं कहा, और जो उन्होंने शर्ट पहन रखा, पैंट शर्ट ही मैं पहनता हूँ, निक्कर पहन के तो मैं गया नहीं। निक्कर तो वो पहनते हैं जो निक्कर पहन के पूरे देश में घूमते हैं, वो लोग मेरे पहनावे पर सवाल उठा रहे हैं। तो पहले वो निक्कर पहनना तो बंद करे, वो जो निक्कर पहन रहे वो तो बोल रहे हैं ये बात, RSS वाले निक्कर पहनते हैं, मैं तो पैंट पहनता हूँ। और ठीक है, अरे टी शर्ट पहनना गुनाह है क्या? मेरे लिए मैं तय करूंगा मुझे क्या पहनना है। बीजेपी वाले अपनी पार्टी को, अपने घर को संभाले। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।
वहीं खबर झुंझुनू से जहां पर मिलिट्री इंटेलिजेंस ने एक शख्स को पकड़ लिया है। शख्स पर ISI के लिए जासूसी करने का आरोप है। जासूसी के आरोप में संदीप कुमार गिरफ्तार हो चुके हैं, तो वहीं इंडियन गैस एजेंसी संचालक हैं संदीप कुमार। ISI को गोपनीय जानकारी फोटो भेजने का आरोप 12 सितंबर को संदीप को लिया गया था हिरासत के अंदर। चलिए रुक कर देते हैं फुलेरा की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि आज रक्तदान करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया है और साथ ही साथ वहां पे विधायक निर्मल कुमावत भी मौजूद रहे हैं। तो देखिए इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। राष्ट्रहित और जनहित को हमेशा सर्वोपरि रखने वाले मां भारती के सच्चे सपूत, आधुनिक भारत के प्रवर्तन और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के जन्मदिन पर आज भाजपा हरियाणा देहात की ओर से ग्राम हचुकड़क में कदम सरोवर पर तुलसी ब्लड बैंक के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर के मुख्य अतिथि फुलेरा विधायक महोदय निर्मल कुमावत, मंडल अध्यक्ष देवकरण पालवास, किसान मोर्चा जिला मंत्री पांचू राम गुर्जर, पंचायत समिति सदस्य मंदराज सुरेश चौहान सहित कई लोग वहां पे मौजूद रहे। साथ ही सरोवर स्थित राधा कृष्ण मंदिर में महिलाओं ने अलग ही अंदाज में मंगल गीत गाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया। आज मोदी जी का जन्मदिन है और ब्लड कैंप भी है, आप यहाँ पधारे हैं तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री और भारत के हमारे जननायक नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, उसी अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने युवा साथियों ने मिलकर ग्राम अचूकड़ा में इन्होंने आज ब्लड डोनेशन का आयोजन किया एक बिल्कुल छोटे से गाँव में। ये देखिए माननीय मोदी जी की लोकप्रियता और उनकी कार्यशैली को आम जन गाँव के ढहणी के लोग भी प्रभावित है, उसी का नतीजा है कि छोटी सी जगह जहाँ रोड भी नहीं है अभी और जल्दी यहाँ रोड भी बनेगी और मोदी जी के माध्यम से ही बनेगी, यहाँ के लोग भी उनको इतना पसंद करते हैं। ये मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि भगवान उनको दीर्घायु दे और देश को उनका नेतृत्व हमें मिलता रहे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। राजधानी जयपुर की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं पुलिस आयुक्तालय के द्वारा बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और पेट्रोल पंप पर लगातार हो रही लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर लिया है और साथ ही साथ इसमें आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर कि आखिरकार किस प्रकार से इस वारदात का खुलासा किया गया। राजधानी जयपुर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पुलिस उपायुक्त अपराधी दिगंत आनंद ने बताया कि लाल कोठी सोटाला और मोहाना थाना इलाके में पेट्रोल पंप पर लूट की 3 वारदातों में लिप्त 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में सरगना निक्की बर्मन से अवैध हथियार, देसी कट्टा व जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश से 7,000 में खरीद करके लाना बताया गया। आरोपी मौज मस्ती के लिए लूटपाट करते थे और सभी आरोपी पढ़े लिखे ग्रेजुएटेड हैं और इनमें 2 आरोपी मुखबिर भी बताए जा रहे हैं। इन्होंने जो प्रथम दृष्टया जो बताया है अपने वारदात में, हमने इनसे जो जानने की कोशिश की कि किस तरह से टारगेट सेलेक्ट किया और सब, तो यही है कि इनको पैसे की जरूरत थी, मौज मस्ती करने के लिए रेस्टोरेंट क्लब जाने के सभी आदि हैं, तो उसके लिए इन्होंने सबसे पहले जो प्लान बनाया वो ये था कि लेट नाइट जो दुकानें खुलती हैं जिनमें बिक्री का रात में कैश जमा होता है, जैसे मेडिकल स्टोर या और बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर, उनको लूट करने की फिराक में ये थे इस साल की शुरुआत से ही, परंतु इनके पास तब तक हथियार नहीं था। फिर हथियार इन्होंने फरवरी में मेरठ से 7,000 रुपये में एक देसी कट्टा खरीदना बताया। उसके बाद इन्होंने पेट्रोल पंपों को चिन्हित किया जो रात तक खुले रहते हैं, जहाँ सेल्स स्टाफ के अलावा ज़्यादा कोई नहीं होता और दिन भर की बिक्री का कैश बटोरा जाता है। तो ये पेट्रोल भरवाने की नाटक करते हुए वहाँ पहुँचते हैं, पेट्रोल भरवा भी लेते हैं कई बार और उस बहाने रेकी कर लेते हैं उस जगह की, और अगर इनको वो सेफ लगता है तो वहाँ पर लूट
की वारदात को अंजाम दिया। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। रीट परीक्षा को लेकर के प्रशासन तैयारियों के अंदर जुट चुका है। बाड़मेर और बालोतरा के 65 केंद्रों पर परीक्षा की जाएगी। जिले में 38,778 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, तो वहीं बाड़मेर और बालोतरा में अभ्यर्थियों के रुकने की व्यवस्थाओं को लेकर के प्रशासन अलर्ट है। दौसा जिले की उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवाड़ा के अंदर बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई है। तो देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। दौसा जिले की उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवाड़ा में वीर तेजाजी महाराज की जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई है। उपखंड के बागवाली ढाणी गांव और शंकरिया बालाजी महाराज मंदिर परिसर में वीर तेजाजी महाराज का कोरोना काल के बाद ऐतिहासिक मेला देखा गया है। वीर तेजाजी महाराज के दोनों स्थानों पर लगने वाले मेले में आज सुबह से ही लोगों का तांता लगा रहा। कोरोना काल के बाद क्षेत्र के दर्जनों गांव की महिलाओं ने वीर तेजाजी महाराज मंदिर में प्रसाद चढ़ा करके मन्नत मांगी है। साथ ही आपको बता दें कि वीर तेजाजी महाराज के जन्म उत्सव पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मंदिर कमेटी के द्वारा रात्रि जागरण किया गया और इसी अवसर पर रामगढ़ पचौरा कस्बे में वीर तेजाजी महाराज की शोभा यात्रा निकाली गई है। इस अवसर पर महिलाओं ने नाच गान कर वीर तेजाजी महाराज को रिझाया गया। कस्बे के मुख्य मार्गों वीर तेजाजी महाराज की बिंदौरी निकाली गई और इस अवसर पर कई महिलाओं और पुरुषों ने भाग लिया। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। खबर भरतपुर से सामने आ रही है, जहां पर आप सभी को बता दूं कि कुछ स्टूडेंट्स का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके अंतर्गत वह बर्तन मांजते हुए नजर आ रहे हैं और खाना परोसते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि इसको पहला रूप तो जो देखने को मिल रहा है वह रैगिंग का बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसकी कोई भी पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट्स ने इसके बारे में बातचीत नहीं करी। और वहीं जब वहां के प्रिंसिपल और वहां के लोगों से बातचीत की गई, तो उनका क्या कुछ कहना इसके संदर्भ में सामने आया है, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। राजकीय मेडिकल कॉलेज का एक वीडियो गुरुवार को वायरल हुआ। इसमें कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स बर्तन साफ करते और खाना परोसते हुए दिख रहे हैं। इसे जूनियर स्टूडेंट्स की रैगिंग बताया जा रहा है। हालांकि किसी भी स्टूडेंट्स अथवा कर्मचारी ने कॉलेज में रैगिंग होने की पुष्टि नहीं की, लेकिन वीडियो के आधार पर रैगिंग का दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने 1 सितंबर से यहां का मैस बंद कर दिया। इधर इस बारे में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर रजत श्रीवास्तव का कहना है कि कॉलेज में रैगिंग जैसी कोई बात नहीं है। स्टूडेंट्स अगर खुद खाना बना कर खा रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है। उनका कहना है कि मैस का ठेका इसलिए बंद करना पड़ा क्योंकि खाने को लेकर स्टूडेंट्स को काफ़ी शिकायतें थी, इसलिए अब स्टूडेंट्स को ही मैस इंचार्ज बना दिया ताकि उन्हें मनपसंद और अच्छा खाना मिल सके। 2 साल पहले भी सीनियर स्टूडेंट्स का जूनियर स्टूडेंट्स को मुर्गा बनाते हुए फोटो वायरल हुए थे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। चलिए रुक करते हैं दौसा जिले के सिकंदरा की ओर, जहां पर हनुमान जी महाराज का जागरण कल किया गया। तो देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। दौसा जिले के सिकंदरा क्षेत्र के समाज चौबे ढाणी में रामावतार के घर हनुमान जी महाराज का जागरण हुआ। इसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया है, तो वहीं रात्रि जागरण की शुरुआत रामावतार के द्वारा दीप प्रज्वलित करके की गई। कार्यक्रम की शुरुआत शिव कुमार द्वारा गणेश वंदना के साथ की, तो वहीं सवास के श्रद्धालु सुनील शर्मा ने बताया कि शाम को हुए जागरण में हनुमान जी का अलौकिक श्रृंगार किया गया है। अखंड ज्योति भी जलाई गई और जागरण में कमलेश तिवारी, आभा नेरी, मोहनलाल शर्मा द्वारा भजनों की प्रस्तुतियां भी दी गई। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।